अब निकालते हैं मीडियन ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। तो इसमें फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया याद करने को, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी। अब जब भी हम मीडियन निकालेंगे कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए तो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ एक और कॉलम चाहिए होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो ये सी हमारा वहीं से आएगा। ठीक है, तो हमें मीन भी मालूम है, मीडियन भी मालूम है, मोड भी मालूम है, इन तीनों का एक फॉर्मूला और बन जाता है, और ये फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू थ्री मीन मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि मीन और मीडियन दे रखा है आपको फाइंड करना है मोड, या मोड और मीडियन दे रखा है आपको फाइंड करना है थर्ड वैल्यू, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एनीवे हम तो अभी बात कर रहे हैं मीडियन के लिए, तो मीडियन निकाल लेते हैं ग्रुप डेटा का। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जांपल से देख लेते हैं कि एल क्या है, आई क्या है, एफ क्या है, सी क्या है। तो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है कंटिन्यूअस 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60 एंड सो ऑन अप टू 70 टू 75। फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और निकालनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी होती है प्लस उससे प्रिसीडिंग जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका सम। जैसे यहाँ पे तो 2 है, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 से। अब सेकंड केस में तो फ्रीक्वेंसी है 3, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। थर्ड केस में क्या जाएगा, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 19, 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 25, 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28 एंड 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो जो यहाँ पे लास्ट वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब कहीं पे रॉन्ग है। तो ये एन आ गया 30। ठीक है, एन मन पास यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इज अ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज और यहाँ पे वैल्यू आ गई 30, क्योंकि लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके, एनीवे अब हमने क्या किया कि मीडियन निकालने के लिए पहले हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें एन अपॉन टू, क्योंकि हमने कहा ना एल प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी, तो एन अपॉन टू हमने वैल्यू निकाला, तो एन आ गया 30, 30 अपॉन टू कितना होता है 15। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 15th क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 15 वो किस क्लास में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 13 दे रखा है, 13 के बाद 13 से लेकर 19 तक जो भी वैल्यूज होंगी 14, 15, 16, 17, 18, 19 वो इसमें लाई करेगा इस क्लास इंटरवल में। तो हमने इस क्लास इंटरवल से जो भी हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यूज हैं वो इस क्लास इंटरवल से आएंगी। अच्छा, उसमें जो हम सी यूज़ करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर क्लास, इससे अपर क्लास की वो हो गई 13। तो हमारे फॉर्मूले में जो सी यूज़ होगा वो होगा 13। L है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास दैट इज 55, F है इसकी फ्रीक्वेंसी वो है 6, C है 13 और I क्या है क्लास इंटरवल 55 टू 60, तो क्लास इंटरवल कितना हो गया 5। तो फॉर्मूले में लगा दी सारी चीज़ें भाई, क्लास जो फ्रीक्वेंसी आ गई सी एफ जो आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो तो आ गई 13, I आ गया 5, F आ गया 6, राइट। तो अब तो हमें बस वैल्यूज को पुट करना है, तो वैल्यूज को हम पुट कर लिया हमने, एल प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी, एल तो है 55 प्लस आई है 5, 5 अपॉन एफ दैट इज इक्वल टू 6 इंटू एन अपॉन टू 15 माइनस सी, सी कितना है 13, तो 55 प्लस एन अपॉन 6 इज इक्वल टू 56.67। तो इतना ईजी है, तो हमें तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ है फॉर्मूला। तो आप जितना हमने अभी यहाँ पे कर लिया है इसमें से आपको दो तीन चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, एक तो जो हमने मीन निकालने के सारे फॉर्मूले देखे बाय स्टेप डिविएशन मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड, और एक होता है बाय जो भी फर्स्ट बेसिक मेथड है, सेकेंडली फॉर्मूला फॉर मोड, थर्डली फॉर्मूला फॉर मीडियन, फ्री एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, ये हमें लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अगर हम बात करें एनडीए के लिए तो क्वेश्चन हो सकता है लेंथी ना हो, पर हाँ जो भी चीज़ें यहाँ पे क्लासिफाई की है कि एल क्या होता है, एफ क्या होता है, आई क्या होता है, एच क्या होता है, यू क्या होता है, यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब वहाँ पे तो उन चीज़ों के लिए हमें ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, फॉर्मूले याद करने हैं, प्लस उनका एप्लीकेशन। आप हर किसी फॉर्मूला आपने याद किया, दो तीन क्वेश्चन कर लिए, दैट इज एनफ। ठीक, अब आते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो भी हमारे पास टर्म्स यूज़ किए हैं, जो भी हमारे पास ग्राफ यूज़ किया है, उस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं, चॉइस बेस्ड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम फाइंड करेंगे मीडियन, और उस ग्राफ को हम कहते हैं ओजीएम, OGIVE ओजीएम। इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे ओजीस होते हैं वो भी दो तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, मीडियन हमारा निकल के आएगा लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव। ओजीएम क्यों बना रहे हैं, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, और ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा, ड्रॉ कैसे करना है, लेस देन ओजीव, दो ओजीव्स होते हैं, एक तो होता है लेस देन ओजीव और एक होता है मोर देन ओजीव। अब लेस देन ओजीव के लिए अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यूज आएंगी और वाई एक्सिस पे कोई वैल्यूज आएंगी, तो जो अपर क्लास लिमिट्स हैं वो तो आएंगी एक्स एक्सिस पे, ये ध्यान रखना है। लेस देन ओजीव में हमारे पास अपर क्लास लिमिट्स आएंगी एक्स एक्सिस पे, और जो भी करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो आएंगी वाई एक्सिस पे। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए और हमें लिमिट्स चाहिए। फिर हमें और कौन कौन से पॉइंट्स इसमें प्लॉट करने, प्लॉट पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑन एक्स एक्सिस मेक स्मूथ कर्व। हमें एक्स एक्सिस पे से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास उसे भी हमें प्लॉट करना है ऑन एक्स एक्सिस, और वहाँ से हमारा एक कर्व आएगा। तो तीन चीज़ें, एक तो लेस देन ओजी में अपर क्लास आएगी एक्स एक्सिस पे और करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आएंगी वाई एक्सिस पे, और जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास का वो पॉइंट भी प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे, और वहाँ से एक हमारा एक कर्व आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक होता है मोर देन ओजीओ, ये भी क्लियर हो जाएगा, आप इसमें परेशान ना हो। अभी जब हम बनाएंगे इसको तो बताएंगे। मोर देन ओजीओ में ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे लोअर क्लास लिमिट्स आएंगी, ये मोर देन है तो इसमें लोअर क्लास लिमिट्स आएंगी, और करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज तो वाई एक्सिस पे आएंगी आएंगी। फिर हमें क्या करना है, इसमें अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, जो अपर लिमिट है लास्ट क्लास की, वो भी एक्स एक्सिस पे हमें प्लॉट करना है, और हमें फिर एक स्मूथ कर्व बना देना है। ठीक है, अब इसकी अब कर्व बन गया, कर्व बनने का क्या करना है, हमें तो मीडियन कैलकुलेट करना है। तो वाई एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेंगे करस्पॉन्डिंग टू एन अपॉन टू, एन दो मालूम है, एन हमारा आ जाएगा तो एन अपॉन टू एक पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन हमारे कर्व को कहीं पे मीट करेगी, और उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी जो लेंथ हुई, दैट लेंथ विल बी द मीडियन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सो दैट इट शुड बी वेरी क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया, लेस देन ओजीओ। तो इसमें हमें जो डेटा गिवन है, डेटा दिखाया तो आपको वेट दे रखा है स्टूडेंट्स का, वेट इन केजीज स्टूडेंट का दे रखा है लेस देन 38 केजीज तो किसी बच्चे का नहीं है, लेस देन 40 केजीज 3 स्टूडेंट्स का है, लेस देन 42 5 स्टूडेंट्स का है, लेस देन 44 9 स्टूडेंट्स का है, लेस देन 46 14 स्टूडेंट्स का है, लेस देन 48 28 स्टूडेंट्स का है, लेस देन 50 32 स्टूडेंट्स का है, लेस देन 52 35 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो अभी तो जो हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं इनसे अभी हमें एक टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्यों, यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल ले लिया, बिकॉज ये तो क्लास इंटरवल एक बनेगा ना, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बना लेते हैं इसको। तो 38 टू 40, 40 टू 42, 42 टू 44, 50 टू 52, और सबसे पहले भी हम एक और ले लेते हैं लेस देन 38 के लिए 36 ले लेते हैं, तो लोअर लिमिट हमारी आ जाएगी 36। तो इस तरीके से हमारा एक टेबल बन गया क्लास इंटरवल।
36 to 38, 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44 and so on. तो पहले हम कर्व नहीं देख रहे, पहले तो हम सिंपल सा अपना सॉल्यूशन देखते हैं टेबल से, फिर इसका कर्व भी प्लॉट कर देंगे. तो हमें हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, फिर हमें जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, आप देख रहे हो, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं लेस देन 42 की, तो लेस देन 42 में 40 भी आता है 38 भी आता है. अगर लेस देन 44 की बात कर रहे हैं तो उसमें 42 भी आता है 40 भी आता है, ठीक है ना. तो जो हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी है या क्लास फ्रीक्वेंसी है, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक. तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल ली पहले हमने. तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे भाई, पहले फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जीरो है और ये भी जीरो है. उसके बाद हमें सेकंड दे रखा है लेस देन 43, तो ठीक है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3. फिर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5, तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 तो 42 में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2. सिमिलरली 42 टू 44 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. 44 टू 46 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 14 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5. 46 टू 48 में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 28 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 14. 48 टू 50 में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 32 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 04. और 52 तक हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 35. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 35 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 3. अब ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे हमारे पास एन भी आ गया. तो एन अपॉन 2 की पहले वैल्यू निकाल ली, वो आ गया 17.5. अब 17.5 जो है तो वो कहाँ पे लाए करेगा, सी आ गया हमारे पास एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 17.5. तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा, 14 तो यहाँ पे है, 28 यहाँ पे, तो दैट मीन्स इस क्लास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लाए करेगा. तो यहाँ की जो लोअर लिमिट है दैट इज इक्वल टू 46, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो है 2, और यहाँ पे जो सी हम यूज़ करेंगे 14, ठीक. इसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 14, एफ लिख दिया है. तो अगर हम फॉर्मूले से यूज़ करें तो फॉर्मूले से हमारा इसका जो रिजल्ट आएगा, आंसर जो आएगा, आंसर विल बी एल प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस सी. तो एल प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस सी, तो हमारा रिजल्ट आ गया 46.5. अब इसको ग्राफ पे भी देख लेते हैं. तो हम यहाँ पे लेस देन ओजी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक है वाई एक्सिस. अब हमने कहा कि लेस देन ओजी में क्या होता है, अपर क्लास लिमिट और उसकी करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट केस में क्या आएगा, अपर क्लास लिमिट तो है 38 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, तो 38 और 0 प्लॉट कर लिया यहाँ पे. सेकेंड है, अपर क्लास लिमिट है 40 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3, तो 40 तो यहाँ पे ले लिया, 3 यहाँ पे ले लिया, तो 40 और 3 प्लॉट कर लिया. सिमिलरली इस केस में 42 और 5, तो 42 और 5 यहाँ ड्रॉ कर लिया. सिमिलरली अपर क्लास लिमिट एंड क्लास फ्रीक्वेंसी 44 और 9, तो 44 और 9 यहाँ प्लॉट कर लिया. फिर 46 और 14 यहाँ प्लॉट कर लिया, एंड सो ऑन. लास्ट में 52 और 35, तो 52 और 35 हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया. अब ये लेस देन ओजीव है, ठीक है. तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए. अब हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. अब ज्वाइन करने के बाद हमने क्या देखा, हमने n अपॉन 2 की वैल्यू निकाली, n अपॉन 2 आ गया 17.5. तो 17.5 से हमने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया. ये लाइन x एक्सिस को कहीं यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे. और इस पॉइंट से फिर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया x एक्सिस के ऊपर. अब ये जो लेंथ हुई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ जो है, ये लेंथ हमें क्या दे रही है, मीडियन. तो ये आ गया लगभग 46.5, ठीक है. ग्राफ पेपर पे हम अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास देख लीजिए सही वैल्यू आ जाएगी. तो हमारे पास ये आ गया 46.5, और यहाँ से भी हमने देख लिया कि मीडियन हमारा 46.5 ही आ रहा है. तो इसे बोलते हैं ओजीओ. ये है हमारा लेस देन ओजीओ. लेस देन ओजीओ में क्या हुआ, अपर क्लास लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर क्लास लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमें ध्यान रखना है. ये मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस में एनडीए में आ जाता है. चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं मोर देन ओजीव का, ओके. चलिए एक और एग्जांपल देखा मोर देन ओजीव का. तो उसमें मैं क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं,
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, up to 100. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको. हमारे पास 53 स्टूडेंट्स हैं और 53 स्टूडेंट्स ने जितने उनके मार्क्स आए तो वो हमें दिया हुआ है. तो हमें दिया हुआ है कि 0 टू 10 मार्क्स जो आए आउट ऑफ 100 वो 5 स्टूडेंट्स के आए, 10 टू 20 आए 3 स्टूडेंट्स के, 20 टू 30 आए 4 स्टूडेंट्स के, एंड सो ऑन 90 टू 100 के बीच में आए 8 स्टूडेंट्स. तो हमें तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखा. अभी हम कह रहे हैं मोर देन ओजीएम, तो मोर देन ओजीएम में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे लेंगे. हमने कहा कि इसमें मोर देन ओजीएम में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हमें उल्टा दिया हुआ है. ठीक है, तो आउट ऑफ 53 स्टूडेंट्स, इसे ऐसे हम रीड करेंगे कि टोटल है 53 स्टूडेंट्स, उसमें से 5 स्टूडेंट्स तो हैं 0 टू 10. ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है तो बच गए 48. अब 48 में से 3 स्टूडेंट्स हैं 10 टू 20, बच गए 45. 45 में से 4 स्टूडेंट्स हैं 20 टू 30, तो बच गए 41. 41 में से 3 स्टूडेंट्स हैं 30 टू 40, तो बच गए 38. 38 में से 3 स्टूडेंट्स हैं 40 टू 50, ओके, तो बच गए 35. तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे चलेंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में. जो मैक टोटल वैल्यू होगी, एन की जो वैल्यू होगी वो तो हम लिखेंगे यहाँ ऊपर. मोर देन ओजीव में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी टोटल, दैट मीन्स टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज एन, वो आएगा ऊपर और उससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लिखते हुए चलेंगे. करेक्ट, तो ये समझ में आ गए. तो मोर देन ओजीव में हम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे. तो लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव में आपको डिफरेंस मालूम चल गया होगा. लेस देन ओजीव में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं और इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करते हुए हम लेके आ रहे हैं. अब तो मोर देन ओजीव में हमने क्या किया, हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स. तो मोर देन ओजीव में हम क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं. तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 53, तो हमने प्लॉट कर दिया. सेकेंड पॉइंट है 10 और 48, तो प्लॉट कर दिया. थर्ड पॉइंट है 20 और 45, तो प्लॉट कर दिया. फोर्थ पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट आ गया फिर 41 आ गया. ठीक है, 32 और 41, तो इसे प्लॉट कर दिया. फिर आ गया 40 और 38, इसे प्लॉट कर दिया. फिर आ गया 50 और 35, इसे प्लॉट कर दिया. तो ये प्लॉट करते हुए हम यहाँ तक आ गए. ठीक है, और डेफिनेटली अगर हम डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं मोर देन ओजीव की और ऐसे कर्व की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए. अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए. वो कैसे आएगी, वो ऐसे ही आएगी. ठीक है, अब हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया. अब हमने देख लिया एन तो 53 आ गया, तो हमें एन अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 53 अपॉन 2, तो वो आ गया 26.5. तो हमने क्या किया कि 20 n अपॉन 2 होगा 26.5, तो 26.5 से हमने एक पैरेलल लाइन खींची x एक्सिस के जो कि इस कर्व को मीट कर रही है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रही है. और इस पॉइंट से फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो कि x एक्सिस को मीट कर रहा है किसी प्लेस पे. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कहीं पे मीट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे मीट कर रहा है इस पॉइंट पे. तो हमने इसको मेजर किया, तो ये मेजर हम देख रहे हैं आ रहा है हमारे पास 66 अप्रॉक्सीमेटली. तो इसका जो मीडियन आ गया वो आ गया 66 अप्रॉक्सीमेटली. तो ये एक तरीका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग आउट मीडियन. ठीक, तो जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं इन एग्जांपल्स को आप एक बार खुद करके देखें तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं. एनडीए में जो क्वेश्चन आते हैं दे आर सिंपल. तो मैंने आपको यहाँ पे लेस देन ओजीव, मोर देन ओजीव फॉर फाइंडिंग आउट मीडियन बता चुका हूँ. मीन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख चुके हो. तो आप इन्हें क्वेश्चंस को फॉर्मूलों को अप्लाई करें, क्वेश्चंस करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.